नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है DHP न्यूज हिमाचल में। 7 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरें और बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी में से काफी लोग रोजाना वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आप तक हमारी वीडियोस आसानी से पहुंच सकेंगी। और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए खबरों के सिलसिलों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में कोरोना को लेकर रविवार को राहत भरी खबर। हिमाचल में रविवार को कोरोना के 363 मामले आए हैं, वहीं 1459 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में 18 कोरोना संक्रमित की जान गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 1,95,105 पहुंच गया है। अभी 8,367 एक्टिव केस हैं। अब तक 1,83,434 ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,281 है। कांगड़ा में 74, चंबा में 58, मंडी में 46, शिमला में 38, ऊना में 36, हमीरपुर व सिरमौर में 30-30, सोलन में 24, कुल्लू और बिलासपुर में 9-9, लाहौल स्पीति में 7 व किन्नौर में 2 मामले आए हैं। वहीं रविवार को 18 लोगों की मृत्यु हुई है। कांगड़ा, मंडी व सोलन में 4-4, शिमला व कुल्लू में 2-2, चंबा व कुल्लू में 1-1 की जान गई है। हिमाचल में इस दिन दस्तक देगा मानसून, सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 25 जून तक प्रवेश करेगा। इससे पहले 11 जून से प्रदेश में प्री मानसून की बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान है। 10 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 जून तक प्रदेश में मानसून के प्रवेश के बाद इस वर्ष सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम साफ होते ही मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते वर्ष प्रदेश में 24 जून को मानसून पहुंचा था। सामान्य के मुकाबले 8 दिन पहले मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी थी। इस वर्ष भी मानसून के समय से पहले पहुंचने के आसार हैं। ऐसे आसार हैं कि 25 जून तक प्रदेश में मानसून का प्रवेश हो जाएगा। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक, मुख्य सचेतक एवं पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। रविवार को पैतृक गांव टहटोली स्थित शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रविवार दोपहर 1 बजे पैतृक गांव टहटोली में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोनों बेटों चेतन बरागटा और ध्रुव बरागटा ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। शादी में शामिल थे 50 के करीब लोग, 2000 जुर्माना। उपमंडल भटियात में प्रशासनिक अनुमति के साथ हो रहे शादी समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने के लिए पंचायत स्तर पर गठित टास्क फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की सर्विलांस टीम भी जायजा ले रही है। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दंडाधिकारी सिंहुता भूपेंद्र कश्यप की अगुवाई वाली सर्विलांस टीम ने रविवार को सिंहुता तहसील के तहत नलो गांव में शादी समारोह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नायब तहसीलदार ने मौके पर अनुमति पत्र में दर्शाए लोगों से अधिक संख्या में लोग शादी में उपस्थित पाए गए। शादी में 50 के करीब लोग मौजूद थे जो कि सीधे तौर पर कोविड नियमों की अवहेलना थी, लिहाजा दोषी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा चालान कर मौके पर 2,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। आयोजक को शादी में शामिल सभी लोगों के कोविड-19 टेस्ट करवाने के भी आदेश दिए गए हैं। हिमाचल में 200 करोड़ के निवेश स्थापित होगा इथेनॉल संयंत्र, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न अस्पताल बनेगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से 200 करोड़ रुपए के निवेश से 200 केयर क्षमता का इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का आश्वासन दिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद एक बयान जारी कर कही। सीएम ने बताया कि इथेनॉल संयंत्र से अनाज से इथेनॉल बनाया जाएगा जिसे पेट्रोल और डीजल में मिश्रित करने से प्रदेश में वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषण में कमी आएगी। इससे प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण भी होगा। सीएम ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर संभव मदद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने 1000 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है जिसमें से 500 सिलेंडर जल्द राज्य को मिलेंगे। एनीमिया नियंत्रण में हिमाचल ने देश भर में हासिल किया तीसरा रैंक। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोरबोर्ड में हिमाचल वर्ष 2018-19 में 18वें स्थान पर था। इस बार रैंकिंग में सुधार आने से हिमाचल प्रदेश देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। पशुपालकों पर पड़ी सूखे की मार, पंजाब से 650 रुपए क्विंटल पहुंच रही है तोड़ी।
कुछ माह पहले हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बारिश न होने से किसानों को अब चारे की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सूखे के कारण गेहूं की पैदावार कम होने से पशु चारे की कमी महसूस की जा रही है। इससे तुड़ी के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। पंजाब से टेम्पो और गाड़ियों में लाया जा रहा हरा चारा 650 रुपये प्रति क्विंटल पशुपालकों को मिल रहा है। सबसे बड़ी परेशानी पशुपालकों को यह आ रही है कि 650 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करने के बाद भी व्यापारी साफ पशु चारा नहीं दे रहे हैं। हिमाचल सहकारी बैंक भर्ती करेगा 149 जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट, आवेदन के लिए खुला लिंक। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कोरोना संकट के बीच नियमित आधार पर जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के 149 पद भरने जा रहा है। इन पदों को भरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए भर्ती करने वाली एजेंसी IBPS ऑनलाइन परीक्षा लेगी। भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए 2 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चुने जाने वाले अभ्यर्थियों को करीब 35,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। अभ्यर्थी के 12वीं कक्षा में 50% अंक हो और 18 से 45 वर्ष के बीच उम्र हो। आवेदन करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर लिंक शनिवार से खुल गया है। 15 दिन पहले परीक्षा को लेकर सूचना मिलेगी। इस भर्ती की नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। पावटा साहिब में 81 किलोग्राम गांजे की खेप सहित एक और गिरफ्तार। पावटा साहिब उपमंडल के जमुखाला का जंगल में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को 81 किलोग्राम गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम अभी तक 3 करोड़ रुपए से अधिक के 425 किलोग्राम गांजे के साथ 5 आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। संगड़ा में गहरी खाई में लुढ़की कार, सरकारी कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत। श्री रेणुका जी विस के संगड़ा उपमंडल में एक कार के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शनिवार देर रात संगड़ा पालर बोगदार मार्ग पर पेश आया। स्थानीय पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। वहीं उपमंडल प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को 15,000 रुपये की फौरी राहत प्रदान की है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक कार डेबरघाट के समीप संगड़ा लौटते वक्त अचानक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार संगड़ा के साथ लगते गांव टिकरी के 41 वर्षीय गोपाल सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि संगड़ा से सटे डाहर गांव के 47 वर्षीय कार मालिक एवं चालक रमेश कुमार ने संगड़ा अस्पताल पहुंचे जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। जान जोखिम में डालकर 3 घंटे पैदल चल पहाड़ी पर नेटवर्क तलाश रहे विद्यार्थी। कोरोना काल में स्कूली विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट और नेटवर्क की अच्छी सुविधा नहीं है, वहां बच्चों को 3 घंटे की पढ़ाई करके पहाड़ी पर सिग्नल ढूंढकर कक्षाएं लगानी पड़ रही है। विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर घर से दूर जाकर नेटवर्क की तलाश करनी पड़ रही है। कई बार बच्चे खतरनाक जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के सैंज घाटी में भी यही आलम है। घाटी की पंचायत गाड़ा पारली और शांगढ़ के दर्जनों गांवों में BSNL का नेटवर्क न होने से ग्रामीण व उनके बच्चे परेशान हैं। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।